खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां एक चलती कार में आग लगने की घटना सामने आई। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में एक चलती कार आग का गोला बन गई। चलती कार में आग लगी है, भीषण आग लगी है। कार सवार दंपति ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, कार जलकर खाक हो गई। चलती कार में आग लगने की घटना सामने आई है ग्रेटर नोएडा में, जहां भीषण आग लगने के बाद कार में सवार दंपति ने अपनी जान बचाई, हालांकि कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मामला ग्रेटर नोएडा का, जहां चलती कार में आग लगी है। शिव त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। शिव, चलती कार में आग लगने की घटना सामने आई, क्या जानकारी? देखिए, ग्रेटर नोएडा के बिजरक थाना इलाके में ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौर सिटी मॉल पड़ता है, वहां पे गौर सिटी मॉल के सामने बीती रात एक हुंडई एसेंट कार थी जिसमें अचानक से आग लग गई और देखते देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद जो कार में मौजूद दंपति थे उन्होंने गाड़ी में से निकलकर अपनी जान बचाई। फिलहाल जो दमकल विभाग की दो गाड़ियां थी मौके पर पहुंची और आग पे काबू पाया, लेकिन और आसपास का आग लगने के वजह से जो आसपास का मार्ग था वो प्रभावित हो गया था। आधा घंटे की मशक्कत के बाद जब दमकल विभाग ने पूरी आग पर काबू पाया तो उसके बाद मामले की जांच शुरू करी है, लेकिन अभी फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया कि किस वजह से। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत यह है कि जान माल का कोई नुकसान दंपति को नहीं हुआ, कि जैसे ही गाड़ी में धुआं निकलता हुआ देखा वैसे ही दंपति ने अपनी जान गाड़ी से बाहर निकल गया। लेकिन हुंडई एसेंट कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई और कुछ आधा घंटे के लिए जो यातायात था वो प्रभावित हुआ। लेकिन फिलहाल दमकल विभाग के अधिकारी उनका कहना है कि आग लगने के क्या कारण था, क्या सीएनजी लगी हुई थी गाड़ी के अंदर, इन तमाम चीजों की जांच की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कार में आग लगने की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ग्रेटर नोएडा में एक कार में आग लगी, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ टोटल टीवी पे ये विजुअल्स हैं कार में आग लगने के, ग्रेटर नोएडा में एक चलती कार में आग लगने के एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।